सुंडाला दुख भंजना सदा जो बालक भेद शारो पेला सुमरियो श्री गौरी नंदी गणेश ओमी धने शिवरा मैथन शिवी रूप जारी नंदी देवा मैथन शिवी रूप मारे बचनारा पाल हारा जी हृदय करो यू जी याला जी सरस्वती माती शारदा ने शिवी खोलो मारे घटीरा काला जी निंदरा निवारा भोड़ा सरस्वती माता मारी शारदा ने शिवरा एक बार सारी सत्संग दोनों हाथ उठाकर गजानन जी का जयकार लगाए बड़े प्रेम और भाव से बोली गजानंद भगवान की बोली गौ मात की समावे जी मैं थाने शिवरा गणपति देवा बचनारा पालन हारा जी हृदय करो उजियाला जी सरस्वती माता मारी शारदा ने शिवरा आनंद
जारी शोभा वरणी ना जावे जी, शोभा वरणी ना जावे जी। मैं थाने शिवरा गणपति देवा मारे बचनारा पालनहारा जी, फिर देखो यू जी याला जी, सरस्वती माता मारी शारदा ने शिवरा। तो अपन देवता 33 करोड़ है, आ तो सगला सुनी कि अपना देवता कितना है 33 करोड़। और कोई अपने पूछे कि सा आपने देवता मारा नाम गिनाओ कि 33 करोड़ आपरा देवता है तो नाम बताओ कितना गिना हमारा 50, 500, 1,000,00,000 पचे लारला देवता कित गया। और आ मारवाड़ है साहब, मारवाड़ में तो बाटो बाटो देव, हर नदियां गंगा भई पर्वत साड़ग राम, हर दरकत तुलसी भया तब सीना आतम राम, क्या था तो हर पत्ता पत्ता हर पत्थर पत्थर देव है भाई साहब। इस धरती पर कोई आया हो, चाहे मानव आया, चाहे पशु आया, चाहे पक्षी आया, कोई आया हो, उसको मां के गर्भ में रहना ही पड़ा। लेकिन एक गजानन जी महाराज है कि जिसको जननी ना जायो और ओदर भी ना, क्योंकि पार्वती जी मेल री बाटरा बनाया था गजानन जी। गजानन जी ने माता भी दो और पिता भी दो, प्रथम माता पिता शंकर भगवान पार्वती और दूसरे माता पिता है हाथी और हथनी। दो ये मात दो ये तात, जीव एक जकारो, एक पुरुष एक पशु बराबर हक तिहारो। और जो जो गजानन जी के भक्त हैं एक बार दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ में बोली गजानंद भगवान की क्या बात है। ओ मेरी हृदय करो परिवेश जी, मेरे हृदय करो परिवेश जी, मेरे गणेश जी तेरी जय 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 हो गणेश जी, तेरी जय 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 हो गणेश।
पानी पुष्प चढ़ी मेवा संति जनी तो करी तेरी सेवा तेरी पूजा देश विदेश जी तेरी पूजा देश विदेश जी तेरी जय 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 हो गणेश जी तेरी जय 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 हो गणेश जी और पूरी रात में गजानन जी रो लगभग एक आधो भजन गाया करा पा क्योंकि बिना स्वर तो आपा कोई भक्ति करा भी नहीं। आज 11 सहसा आज गौ माता रे 1100 रुपया दान करा आज अमऊ सहसा आज गौ माता रे वास्ते चारों नेका आज पूनम ऐसा आज दान करा। अरे सजनों 11 समाउस पूनम ने तो जगत करता आया है 11 समाउस पूनम ने जी तो आप रो दान नहीं पड़ेला नहीं आप आडे दिन गौ माता रे वास्ते सेवा कर देखो आपने ठा पड़े के दान की ने गया करे बटवा बांस चढ़ी नटनी कहे होता नटो मत कोई मैं नटी नटनी भई नटे सो नटनी होई भाई भगवान ने दिया है तो दसवन तो भगवान भी मानता है यार। 100 रुपया कमाओ तो 10 रुपया तो गौ माता रे दे सको आप लोग। और आजकल तो जागरण में सिस्टम हो गो के गौ माता री जोड़ी पेरो गौ माता री जोड़ी आए जने आगे हाथ गाले ही तो 200 नोट निकाली। अब गौ माता री सेवा भी करनी है जेबू रुपया कितना निकलिया 10 अब कहीं वे 10 रुपया में आजकल तो चाय री गिलास भी 15 रुपया री होगी पानी री बोतल 20 रुपया है। गौ माता री सेवा करा और जोड़ी में रुपया गाला 10 ऐसा नहीं होना चाहिए सजनों। ईश्वर को आप दो और ईश्वर आपने चार गुणा हो न मेत देवे। नरसिंह जी तो 14 करोड़ माया लुटाई और भगवान पाचो 56 करोड़ रो माई रो तो भगवान तो चार गुणा देता है ना। बिना गरज आपा कोई भक्ति नहीं करा साहब। दुख में सुमरण सब करे सुख में करे ना कोई और जे सुख में सुमरण करे तो दुख का है को। थोड़ी थोड़ी सी मीठी मीठी ताली बजाएगा और सभी गाइएगा ओम गणपतये नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः मंगल मूर्ति नमो अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया मात पार्वता जी झूला झूलावे मेरे मात कवर जा झूला झूलावे रेशम केरी डोरिया बोलो गणपति बप्पा। देखो बोलता शर्म आई आई शर्म और भगवान रो नाम लेवता ही शर्म आवे अपन और नहीं है ये तो बोलो बोलो गणपति बप्पा क्यों आज तो हैंग मोटोड़ा ही मोटोड़ा है अड़ने राव अड़ने नाई हैंग लेवाली लेवाले आउटगोइंग तो आई को है। सभी बोलो बोलो गणपति बप्पा थोड़ी सी हमारी माताएं बहने भी बोलो गणपति बप्पा और एक बार सब साथ में मिलकर बोलना बोलो गणपति बप्पा
बोलो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। नामदेव जी की तरह प्रेमा भक्ति मीरा बाई की तरह और दासा भक्ति कोई करे तो फोर विरो मेरी बालाजी महाराज की तरह भाई साहब। शिया राम के खातिर शीना कौन चीरने वाला, वो था मेरा अनुमत वाला। भैया ये मंच के पास में से थोड़ी सी जगह कर दो ताकि पीछे माता बहनों को दिखता रहे, वो कब से परेशान हो रहे हैं। ओ हनुमान बिराजियो, हनुमान ओ हनुमान बिराजियो, तुम कथा सुनो चित लायो, पायक हो सिया राम के प्रभु चरण रहो लिपटाय। शास्त्रों में विद्या है 14, विद्या कितनी है 14, राग रसायन नर्तगत नट विद्या वेदंग, तुरी चढ़न व्याकरण पढ़न जानत ज्योतिष अंग, धनुष बाण रथ हाकबो चित चोरी ब्रह्म ज्ञान, जल तीरण धीरज धरण 14 विद्या निदान। और 14 विद्या में 33 करोड़ देवी देवताओं में एक ही देवता परिपूर्ण था और वे था जय हनुमान ज्ञान गुण, जय कपि सती हूं लोक राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वो था बालाजी महाराज, क्योंकि बालाजी महाराज संगीत विद्या रा भी परिपूर्ण जानकार था। संगीत विद्या में बालाजी आपरा गुरु करिया नारद जी महाराज ने, किने करिया नारद। पुराना जमाना रो पोस्टमैन कौन? नारद। नारद जिसकी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता था उसका नाम था नारद। ब्रह्मा जी की संतान नारद। ब्रह्मा जी कहीं करता इन्हें सृष्टि की रचना, विष्णु भगवान भरण पोषण पालन पोषण, और शिव जी रो काम हो ज्यादा होता तो पेंगड़ बुला देता तो शिव कार। ब्रह्मा जी कहीं करता आदमी मेरी खोपड़िया लास्ट रो काम, ब्रह्मा जी रो आदमी मेरी खोपड़िया में दिमाग गाल गाल मृत्यु लोग में सप्लाई होलसेल काम दे, खोपड़िया में दिमाग गाल गाल मृत्यु लोग भेजो। ब्रह्मा जी कोई महीनों भरो कटी काम आएगो, ब्रह्मा जी बेटा नारद ने बुलाया, बेटा नारद के हुक्म पिताजी के खोपड़िया है दिमाग बढ़िया है, खोपड़िया में दिमाग गाल गाल मृत्यु श्लोक में। नारद जी का ठीक है पिताजी, बस एक दिन तक तो नारद जी ड्यूटी टेमो टेम, 11वां दिन वही बजे जागनिया लागा नारायण नारायण नारायण, दिमाग तो गाल नहीं भूल गया, खोपड़िया खोपड़िया इरगावनी रू कर दी। हमें कटे जावान कोई डोड होशियार मिले नहीं, समझ ले उन्होंने नारद जी रे भेजुड़ा है क्या उन्होंने नहीं समझ ले उन्होंने क्या है बाणी भेजुड़ा है बाण भाई लगे। और वो भजन आप सभी लोग सुनियो रेडियो माध्यम, हमारे पिताजी इन भजन ने सर्वप्रथम बार गायो तो और वो भजन उन टाइम में इतो फेमस हुयो कि आज बालाजी रो कटे भी जागरण बैठो, चाहे फिल्मी हो चाहे गैर फिल्मी हो, हर कलाकार बालाजी रो भजन जरूर गाया करे। आप सगला रे सुनियो डो है आनंद लेना। उजालर संखन गाड़ा ओ
उजाल रे शंख नगाड़ा बाजी रा वो बाजी जी साला शरीरे मंदिर में हनुमान बिराजे रे अब कोई बालाजी के बोल के चाहे कोई नाचने वाले तो अपनी जगह पर खड़ा होकर जरूर नाचे हनुमान बिराजे जी सदा बजरंग बिराजे हनुमान बिराजे जी सदा बजरंग बिराजे रे वो झालर शंख नगाड़ा ये झालर शंख नगाड़ा बाजे रे साला सरला मंदिरम बजरंग बिराजे तालियां तो बजाओ इन भक्तों के लिए माणिकर्मा में ही है बहुत अच्छे भारत राजस्थान में जी साला सरिये वो भारत राजस्थान में जी साला सरिये वो सूरज सामी बनियो देवरो बाला जी गोदा सूरज सामी बनियो देवरो बाला जी गोदा वो चारे लाल धजा तो फिर लाल धजा तेरा रे ये साला सरला मंदिर बजरंग बिराजे रे ओ चल शंख नगाड़ा बाजे रे साला सर मंदिर बजरंग बिराजे नमने बाला जीरो मेड़ो भरी जे बारी वो जे सुधी पू नमने बाला जीरो मेड़ो भरी जे बारी रे वो दर्शन सारू यावे देवरे यावे बारी बार दर्शन सारू यावे देवरे आवे बारी बारी हरे जात झड़ूला दूसरा जात झड़ूला नागे रे ये साला सरला मंदिर हनुमान बिराजे शंख नगाड़ा बाजे रे साला सरले मंदिर हनुमान बिराजे और ये कितनी बड़ी खुशी की बात है कि अगर जिन जगह भजन संध्या वे जिन जगह भगवान रा कीर्तन वे और उन जगह माते एड़ा एड़ा भगत नाचता वे कि तो फूट न लगे एक दो टीज कोई मैं छोरिया नचावता या अगर यही अटे एड़ा भगत नाचे कि तो फूट रो लगे एक बार ऐसे भक्तों के लिए जोरदार तालियां बजाओ आप लोग
नागौर आज आप पूरे भारतवर्ष में घूम जाओ, गौ माता की सेवा तो पूरे भारतवर्ष में होती है ये भाई साहब, गौ माता की सेवा पूरे भारतवर्ष में, लेकिन गौ माता की सेवा किस तरह की जाती है वो सिखाया है तो किसी ने, नागौर ने सिखाया भाई साहब पूरी दुनिया को। मैं तो काफी सालों से बाप जी से गुरुदेव से मिला हूँ, हाँ पिताजी के साथ आओ तो छोटा तो मैं गाड़ी चलाओ तो जिन टेमरा बाप जी हमेशा मिलना हो तो मारो, लेकिन गौ माता की सेवा करनी किन तरह, अगर वो अगर संदेश पूरा दुनिया में पहुंचियो है तो ना एक ही श्रेय जावे कुशाल गिरी जी महाराज ने एक बार जोरदार तालियां बजा दी। और आपने नागौर वाला ने बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपने नागौर धरती रो एडो रतन कि आज पूरा भारतवर्ष में जिनो नाम चले, एक बार भाई अनिल सेन के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ आप लोग। भाई पो पचे काम आवे पहली पड़ोस काम आया करे, वो दुनियादारी नहीं है मैं, पहली कौन काम आवे पड़ोसी भाई पो पचे काम आया करे। आंख और नाक में छेती की थी के की छेती नहीं है, लेकिन दोनों डॉक्टर अलग अलग होया करे, कभी भी ध्यान रखना। कोई भाई जान डॉक्टर साहब ने कहो डॉक्टर साहब एडो चश्मा बनाओ जी और कोई चीज डबल दिखे, डॉक्टर के डबोड़े गई एडो तो कहा को नहीं भारत में, डॉक्टर देखे बेटो ग्रही खाली नहीं जामो, माइन ले जा कंप्यूटर चेक करी जीता नंबर आंख वो कांच लागो उतना नंबर कांच लगा दिया जाता गणी दी घंटा भरू पाचो आयो डॉक्टर साहब आज मामलो बैठो डॉक्टर साहब कांच रो आदो एक नंबर बड़े बढ़ाओ हम जाता रहो वो तो घंटा भरू पाचो आएगा डॉक्टर के वो खून पी रीस आएगी डॉक्टर ने चपड़ा चीन क्यों दूरबीन का कांच लगा दे रहे दूरबीन रो कांच लगा धानटा है खेत में हिरणियों पाके तो रोज रोड़ दिखे वो लगान फ्रूट मंडी में गियो अंगूर वाला ठेला मां जान के पैसा डबू की कर दिया हो ए मोटा मोटा अरे वो क्या थारा कनेक्शन लूज आगे पे आगे की एक नींबू वाला दुकान मां जान के पैसा खरबूजा कोई बाप है अरे वो क्या थारा के माइंड फोल्ड है ए खरबूजा नहीं नींबू है भाई रे पावर चश्मा रो अरे वो क्या थारो दिमाग खराब है नींबू नहीं खरबूजा है यूं करता करता दोनों बात यहां आएगा लड़ता लड़ता भाई रो चश्मो नीचे पड़ियो उन्होंने नींबू वाला ने पूछे पैसा अधूर खरबूजा ओपन कट पड़ियो अरे वो कह रहे डबोल मेरो मैं बड़ तो नला दे देन गाबा फाड़ दिया तू तो मारवाड़े साहब पहली पड़ोस काम आवे ना पछे भाई पो काम आवे जने कभी लोग लिखे जय दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार दुनिया में एक बात का ध्यान रखना कि जगत और भगत रे हमेशा बेर। अगर आज गांव में कोई महाराज बन जाओ छोटो मोटो महाराज बन देखो गांव रा कैसा भूखा मरता बढ़िया कहीं नहीं कहीं क्योंकि जगत और भगत के बेर होता है। अरे लोगों ने तो बालाजी पर अंगुली उठा दी हम तो किस गेत के मुड़िए साहब भरत जी क्यों लागा भगवान राम 14 वर्ष आप वनवास काटियो और 14 वर्ष में हनुमान एड़ो कोई जादू कर दियो क्या वनवास हुआ बाद में 24 घंटा हनुमान 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 करो भगतों में भी भगवान राम रा भगत कौन कौन है हाथ खड़ा कर बताओ सब है भगतों में भी हा ओ हनुमान की तो बड़ो भगत है उस भक्तों के भक्त दासा भक्त बालाजी पर लोगों ने उंगली उठा दी साहब हम तो है क्या हम तो मानव जाति है हनुमान प्रभु राम की ओरे भरत मने टाली तू हनुमान ने पूछ ले भरत जी आन हनुमान ने पूछियो हनुमान जी थे कितना मोटा भगत हो भगत तो मैं भी आ अरे बालाजी के नहीं साहब मैं तो बहुत छोटो भगत हूं नहीं तो 24 घंटा भगवान आप रोज नाम क्यों ले की तो आप में बात वेला हनुमान की बात नहीं है लेकिन एक छोटी सी बात कही जने हनुमान जी के मुँह लागा रे भरत जी सुनो वो देख लो मेरे दिल के नगीने में देख लो मेरे दिल के नगीने में
सीने में शियारा जानी बैठे मेरे सीने में शियारा क्या बात है। हमारे सभी बाबूजी की भोज के आज तो नागौर में बाबूजी की भोज इतनी बढ़ चुकी है, लेकिन बाबूजी की भोज का पहला कार्यकर्ता और जीतू, अगर नागौर में मैंने बाबूजी की भोज का किसी को अध्यक्ष बनाया था वो भाई ये जितेंद्र जी जोशी है। एक बार जितेंद्र जी जोशी के लिए जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है मैंने हर जगह मेरे मंच से खुला कह रखा है, कहते हैं अगर मैं गजेंद्र रावत हो नहीं, मैं तो एक छोटो गजू हूँ, मैं क्यों तो गजूरा अगर कोई चमनाला हो तो ते कोई गजू ने मत जाइजो। हाँ थे अगर मारे बाबूजी रा भगत हो जन थे मारे हेंगो प्रिय हो, तो ये सब मेरे बाबूजी की भोज के जितने भी कार्यकर्ता खड़े दिख रहे हैं ना, ये सब बाबूजी की भोज है। एक बार पूरी बाबूजी की भोज के लिए जोरदार तालियां बजा, क्योंकि आपको पता होगा हमारे पिताजी ने पूरी दुनिया बाबूजी ने नाम जानते, और चाहे कोई भी काम हो हम बाबूजी की भोज के तत्वाधान में ही करते हैं। पूरी दुनिया में हमारा हर जिले में एक ग्रुप चलता है बाबूजी की भोज करेगी, बाबूजी की भोज करेगी, कोई भी काम हो आप बाबूजी की भोज को बोलना। हमने तो आज तक किसी से एक रुपया भी बाबूजी किसी से लिया है कभी नहीं लेते साहब, कोई भी काम करना हो हमारे हमारे खुद के मनोबल पर करवाते, खुद के जोर पर करवाते। लेकिन हाँ जो बाबूजी को भजन को, क्योंकि बाबूजी की भोज का मतलब होता है कि जो जो पुराने भजनों के जो शास्त्रिक भजन है, जो शास्त्रों से जुड़े हुए भजन है, उन भजनों को जीवित रखने का काम है वो बाबूजी की भोज करती है। भाई साहब आप सभी ने पतो वेला के राजस्थान में छोटो कलाकार में हूँ, मन मंद कदी छोरिया नहीं चाहे न चाहे करूँ, आप सब ने पतो वेला हमारे चार महीने पहले तो घना पवड़ा उजड़ा है। ये क्योंकि मान लोगों ने एक ही बात सिखाई बचपन के जिस भजन में कोई ज्ञान ना हो उस भजन को गाना, और जिस जगह पे अपना मान ना हो उस जगह पे भी जाना ना चाहिए। जिस नगरी में न्याय नहीं हो उस नगरी में रहना क्या, और कहे मच्छंदर सुन जति गोरख ना माने उसे फिर कहना क्या, और जुबान जैसी प्यारी जगत में जुबान जैसी खारी क्या, और मानव तन को पाए गया बंदा तो तूने जीती बाजी हारी क्या। तब कवियों ने लिखा शियारा जानी की बैठे मेरे सीने में शियारा, क्योंकि आपा छोटा तक हूं शास्त्र में पढ़ता हूं कि बोलारो बोलारो आज तक कटी होनी हो कोई डोड होशियार ने राम जी मिलिया है मिलिया जगह है गया नहीं मिले जने के मायड जने तो एड़ा जन केड़ा एड़ा हमें के मारना पड़ता पैदा नहीं वे दुर्गादास पैदा नहीं वे पृथ्वीराज चौहान पैदा नहीं वे कटू कोरा चावल नी इडली डोसा खाओ जंगिया पिंटे पैदा वे ताने मारना पड़ता पैदा वे कटू। आप लोग तो मार्ग छोड़ दियो
बेणो तो मार्ग बेणो हो भले फेर और जीवनो तो मारे आत्रो जीवनो हो भले रेणो तो भाया में रेणो हो भले और बैठनो तो छिया बैठनो हो भले आपा ये बूढ़िया रा मार्ग छोड़ दिया। बारह तेरह भर रिया पानी बची होती तो आप फेरो दे देवता सा पंद्रह होड़ा भर रो टाबर हो तो आप बना देवता हमें तीस तीस भर रहा है कमरा बेटा लो काका पन्ना हो के मुन्ना छोटा अरे मुन्नो को नी मुनीड है मुन्ना छोटा। हमारे जोधपुर से राजस्थान की वो हस्ती उस्ताद तालिब हुसैन साहब पधारे एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप लोग अभिनंदन करें। तालिब साहब के लिए जोरदार तालियां बनती है। हमारी संस्कृति को मत छोड़ो आप बच्चों को हिंदी पढ़ाओ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ लेकिन मारवाड़ी मत भूलने देना मित्रों। आज अपने टाबरन को बेटा पलिंद मात लोट पड़ियो वेला हम टाबर ने ठाई कोनी पलिंदो कटवे पहली बूढ़िया बनावता बाजी बूरो हमें तो के अंडरग्राउंड बूरो और आजकल ने टाबरन ठाई कोनी में बूरो गई वे। ये संस्कृति मत छोड़ने दो ये संस्कृति विलुप्त हो गई तो हमारा समाज भी विलुप्त हो जाएगा। संस्कृति मत छोड़ो भाइयों संस्कृति को पकड़ के रखो। बेट यारो हमें ब्यामरा सीजन आयोडी मोटा मोटा मैरिज गार्डन में ब्याम करो बड़ा बड़ा पैलेस में लेन ब्याम करो अरे करो आपने बेटा ने पढ़ाओ चाहे बेटी ने पढ़ाओ हाँ लोगा लाज वास्ते नाक वास्ते पाया खर्च करना पड़ी बेटिया री शादी बड़ा बड़ा मैरिज गार्डन में करो लेकिन बेटी री चमरी तो कवर कम कर रहे आंगना में मान दो यार। अगर बेटी री चमरी कर रहे आंगना में नहीं है तो वो कन्यादान थाने कोई काम रो ये समाज की संस्कृति विलुप्त मत होने देना भैया। राम भक्ति अंजनी के लाल का डरो हमेशा क्या ओ चैन सिंह चरी नारो चाकर तो भक्ति वरदा चैन सिंह चरी नारो चाकर तो भक्ति वरदा वो बाबू दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी तालियों के साथ में बाबू बेड़ा पार लगा रे साला सरेरा मंदिर में हनुमान बिरा रे वो झालर शंख नगाड़ा बाजे रे साला सरदार मंदिर में हनुमान बिराजे बजरंग बिराजे हनुमान बिराजे बजरंग बिराजे दोनों हाथ सीधा सीधा उठाकर बोलना एक बार हाथ जोड़कर बोलिए पवन सुत हनुमान की जय हो। थोड़ो 20 ग्राम बढ़ लगाओ बोलो गौ मात की बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो।